फोर व्हीलर स्कूटर। हाय गाइस, वेलकम टू शिखा सिंह शाह व्लॉग्स ऑन फोर व्हीलर स्कूटर। इफ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब येट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि हम बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ आने वाले हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट हाउ टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ नो मैटर वॉट योर वेट इज। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं, शिखा व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर वेट लॉस? वेल लेट मी टेल यू गाइज, इट इज 80% योर डाइट, 10% एक्सरसाइज एंड 10% हाउ सेन यू फील अबाउट इट। बी पॉजिटिव, फील गुड, फील एनर्जेटिक लाइक मी। और मैंने कितना वजन लूज किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, और बहुत सारी चीजें जो मैं कर रही हूँ ये भी बताने वाली हूँ। बट लेट मी फर्स्ट वॉश माई फेस, गेट रेडी फॉर यू गाइज एंड आई एम गोना टेल यू ऑल दीज सीक्रेट्स, सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई एम गोना बी बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरा शादी से पहले, प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद और अभी जब अलाइना 3 महीने की हो गई है, वॉट इज माई वेट स्टेटस एंड वॉट एम आई डूइंग to work towards it. So let's talk about it guys. So मैं आप लोगों के साथ एक secret share करती हूँ. So the secret is, जो लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो मेरे बारे में ये चीज जानते हैं that I used to obsess over weight. अगर मेरा 100 ग्राम भी बढ़ता था तो मैं या तो अपना वर्कआउट बढ़ा देती थी या खाना थोड़ा सा कम कर देती थी. ऐसा नहीं है कि खाना खाना बंद कर देती थी, बट रिड्यूस योर डाइट कैलोरीज एंड दैट इज वॉट आई यूज टू डू बिफोर आई गॉट प्रेगनेंट. यू नो गाइज, इवन आई मिस माई प्रीवियस बॉडी समटाइम्स. जब मैं सोचती हूँ कि ओ माई गॉड, लुक एट माई पिक्चर्स, मैं कैसी दिखती थी, यू नो, कैसी दिखती थी मतलब, ओके लेट्स टेक अ लुक एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. सो दिस इज हाउ आई यूज टू लुक बिफोर मैरिज. शादी के बाद जनरली सब लोग बोलते हैं कि जो वजन आप पुट ऑन करते हैं इट रिफ्लेक्ट्स दैट व्हाट अ गुड मैरिज यू आर इन. बट मेरे और करण के साथ ज्यादातर ये हुआ क्योंकि थैंकफुली इवन ही इज हेल्थ कॉन्शियस, जानते हैं दैट वी वर्कआउट टुगेदर, वी प्ले स्पोर्ट्स टुगेदर, वी ईट वेरी हेल्दी फूड, और ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों. बट बिफोर अलाइना वॉज कंसीव्ड, यानी जब you know we got to know that we were expecting, you know I was at a certain weight and then my weight started increasing during the pregnancy. ab bahut se logon ne pucha ki maine pregnancy mein kitna weight put on kiya hai. so I had put on around 20 kilos which is I know a lot. I was eating healthy, I was not eating junk food because mujhe junk food वैसे भी ज्यादा पसंद है नहीं. and Karan got kind of lucky because I did not have many cravings. So yeah, lucky you Karan. So now coming to the point, during pregnancy मैं कैसी दिख रही थी, ये weight put on मेरे ऊपर कैसे हो रहा था. So here's a little bit of info and pictures on that. As you can see that this is how I was looking in the first trimester, जिसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है. This is how I was in the first half and this is us in Maldives. We had a superb time guys and उसके बाद हो गया corona. और अब आप देखेंगे किस तरीके से मेरा वजन दिन भर दिन रात दिगनी चौगनी और पता नहीं 8 गुनी एंड 16 गुनी होता जाएगा. एंड दैट इज हाउ आई हैड पुट ऑन अराउंड 20 किलोज इन माय प्रेगनेंसी. माय गायनेक काइंड ऑफ फ्रीक्ड आउट एंड सो डिड आई, बट मेरा कोई कंट्रोल नहीं था उसके ऊपर. यू नो द बॉडी, द हार्मोन्स, दे गो थ्रू सो मच चेंज गाइज. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि डिलीवरी के बाद से मैं क्या कर रही हूँ जिससे मेरा वजन कम हो. सो अब तक, यानी कि अब हो गए हैं 3 महीने, इन दीज 3 मंथ्स आई हैव लॉस्ट ओवरऑल अराउंड 10 किलोज. आई स्टिल हैव अनदर 10 टू गो विच इज़ अ लॉट आई नो. और ये 10 किलो में भी डिलीवरी का जो वेट होता है वो चला गया है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मैं घर में वॉक करके अपनी जो डाइट है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए. लेकिन कुछ भी डाइट मतलब क्रैश डाइटिंग नहीं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो नहीं. आई एम थिंकिंग अ लॉट ऑन द लाइन्स कि मुझे वो खाना है जो अलाइना को सूट करे, और कुछ भी ऐसा ड्रास्टिक मेजर मैं नहीं लूँगी. और मैं आप लोगों को भी यही बताऊँगी दैट इवन यू शुडंट डू दैट बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी. डू नॉट सब्जेक्ट योर बॉडी टू समथिंग दैट इज नॉट हेल्दी. प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर यू मेक एनी बिग डाइटरी और लाइफ स्टाइल चेंजेस. ओके, सो पोस्ट प्रेगनेंसी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू गिव योर बॉडी अ ब्रेक. Let your body and your hormones come back to normal and then, yes baby, correct answer,
देन यू स्टार्ट डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप वॉक्स से शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, उसके बाद आप धीरे धीरे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन अपने गायनेक से पूछ कर। हाय डैडी, यू लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। हाय, so what are you doing? We're making vlog, daddy. We are telling people not to obsess about their weight. Yes, and it is very important that your partner acknowledges the same. So baby, do you think that I don't look nice? You look nice always. See, that's what is important. So get your love from your family, get your love from your friends, you know, from your support group, and always believe in yourself. आपका वेट ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या आप हेल्दी हैं उससे फर्क पड़ता है। आप में से ऐसे बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे, अरे आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो एक्ट्रेस हैं, आप मेकअप करती हैं, आप बाल बनाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, हर वक्त अच्छे लगती हैं, सो आपको कुछ ज्यादा प्रेशर फील नहीं होता। ऐसा नहीं है गाइज, वी फील द मैक्सिमम प्रेशर। आप लोग हमें इस पेडेस्टल पे रखते हैं और आप लोगों को लगता है दैट वी शुड ऑलवेज लुक परफेक्ट बिकॉज यू लुक अप टू अस। हम जानते हैं कि आपका प्यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो प्रेशर हमारे ऊपर भी है। सो प्लीज डू नॉट थिंक वी आर एनी डिफरेंट। व्हाट यू कैन ट्राई डूइंग इज आप अच्छे अच्छे खाना खाइए, आप अच्छे से वर्कआउट कीजिए घर पे। एग्जैक्टली माई पॉइंट, यस बेबी, यू वांट टू टेक अ लाइन, यस प्लीज, थैंक यू सो मच डैडी। सो योर पार्टनर कैन हेल्प यू इन थिंग्स लाइक दिस। Do I'm going to miss you, pumpkin? मैं भी उस क्लिशेड फेज से गुजरी हूँ जहाँ पर प्रेगनेंसी के बाद मुझे लग रहा था दैट आई नीड टू लूज माई वेट फास्ट, बट आई काइंड ऑफ ओवरवर्क्ड माई बॉडी एंड माई रिस्ट गॉट अफेक्टेड। सो प्लीज डू नॉट डू दिस गाइज, बी जेंटल ऑन योर सेल्फ, अपने आप को टाइम दे, अपनी बॉडी को टाइम दे, बी यू, बी योर सेल्फ, एंड रिमेंबर यू आर ब्यूटीफुल, ऑल ऑफ यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। अपने ऊपर ज़्यादा प्रेशर्स ना दें, सोसाइटी के प्रेशर्स, सोशल मीडिया के प्रेशर्स जो आप लोग देखते हैं, ये फिल्टर्स की दुनिया से बाहर निकलिए प्लीज। द बेस्ट थिंग टू डू इज नॉट टू कंपेयर। दो चीज़ें कभी भी कंपेरेबल नहीं होती हैं। अपनी प्रेगनेंसी को किसी और के साथ कंपेयर ना करें, अपने बॉडी वेट को किसी और के साथ कंपेयर ना करें दोस्तों। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज लाइफ इज शॉर्ट, सो एंजॉय द मैक्सिमम। एंड आई थिंक दैट इज इट गाइज, डू नॉट ऑब्सेस ओवर योर वेट, हैव अ ब्रिलियंट टाइम विद योरसेल्फ, विद योर फैमिली, एंजॉय कीजिए। That's for now, I think, and we're going to talk about something else next time. So guys, thank you for watching the video. We'll be back with something more exciting next time. What? आपके पास कुछ exciting topic है? तो comment में लिखिए ना, मैं देखती हूँ, खुद reply करती हूँ. And not just that, please like, follow and subscribe and share 4-Wheeler Scooter, because we're going to be back with lots of stuff. I'll be back with you guys very soon. Stay tuned.